नमस्कार, आज दिनांक 23 फरवरी 2019 दिन शनिवार, गोसाई गांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानें नौगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। भागलपुर शहर के 71.73% बच्चों को ही लगा MR का टीका। निजिलस रूबेला MR टीकाकरण अभियान में भागलपुर शहर के लोग पिछड़ रहे हैं। जिले के जहां 84.22% बच्चों को MR का टीका लगाया जा चुका है, वहीं शहर के महज 71.73% बच्चों को ही यह टीका लग पाया है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी बताते हैं कि जिले के कुछ समुदाय विशेष क्षेत्रों में यह अफवाह फैल गई है कि MR का टीका लगाने से भविष्य में संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं रहेगी, इसलिए अभियान के लिए निर्धारित लक्ष्य 95% दूर है। उन्होंने कहा कि लोग इन अफवाहों पर ध्यान न दें। भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने दिया योगदान। भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्य में तेजी लाई जाएगी। अब तक योजनाओं का टेंडर नहीं होने के कारण धीमा चल रहा था, जिसकी जानकारी CO से ली जाएगी। CO को बुलाकर पूछा जाएगा कि अड़चन कहाँ है। आयुक्त परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इसके पूर्व उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त के पद पर योगदान दिया। कहा कि उनकी कोशिश होगी कि कार्य में तेजी लाया जाए। यह देखा जाएगा कि कौन नई या पुरानी योजनाएं हैं। यातायात और सड़क जाम पर कहा कि मार्च में बाईपास चालू होने के बाद शहर में जाम की समस्या से निजात काफ़ी हद तक मिलेगी। वहीं कहा कि चुनाव का समय आ गया है, पहली प्राथमिकता लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक कराना है। भागलपुर सड़क से संसद तक होगा आंदोलन, नहीं हटने देंगे जोनल कार्यालय, बनी रणनीति। भारतीय स्टेट बैंक के जोनल कार्यालय का बेगूसराय में शिफ्ट किए जाने का मुद्दा गर्माने लगा है। इस पर रोक लगने के लिए समाज के सभी वर्ग एकजुट होने लगे हैं। कार्यालय बचाओ अभियान को लेकर गठित जोनल कार्यालय बचाओ समिति की ओर से आंदोलन का संगनाद किया गया। स्टेट बैंक मुख्य शाखा के बाहर तंबू लगाकर पूरे दिन धरना प्रदर्शन किया गया। बैंक के अधिकारियों के विरोध में खूब नारे लगे। प्रदर्शन में चैंबर के पदाधिकारी, अधिवक्ता, सेवानिवृत्त बैंक कर्मी व शहर के प्रबुद्ध जन थे। नारायणपुर कृषि मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे नारायणपुर। शुक्रवार की देर रात्रि बिहार कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत जीप सदस्य नारायणपुर उषा देवी मिश्र के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का झंडा फहराया। श्री प्रेम कुमार खगड़िया से भागलपुर जाने के क्रम में नारायणपुर जीप सदस्य उषा देवी मिश्रा के आवास पर कार्यकर्ताओं से मिले, जहां भाजयुमो के प्रदेश मंत्री भारतेंदु मिश्रा ने अंग वस्त्र से उनको सम्मानित किया। मौके पर भाजपा नौगछिया जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भारतेंदु मिश्रा सहित दर्जनों भाजपा के नेतागण उपस्थित थे। नारायणपुर बिजली के तार पर 15 दिन से झुका है सूखा पेड़, कभी भी हो सकती है अप्रिय घटना। नारायणपुर प्रखंड के सिंहपुर पूरब मथुरापुर पंचायत अंतर्गत वार्ड 9 में बिजली के 440 वोल्ट के तार पर करीब 15 दिनों से एक सूखा पेड़ झुका है। यदि पेड़ टूटकर बिजली तार पर गिरता है तो अप्रिय घटना हो सकती है। ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद बिजली विभाग की ओर से कोई पहल नहीं किया गया। नारायणपुर एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी के बिरबन्ना निवासी मोहम्मद अहमद अली उर्फ छंगूरी को भवानी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में शुक्रवार को जेल भेज दिया। जानकारी देते हुए भवानीपुर ओपी अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि वह कोर्ट से वारंटी था। 24 फरवरी को नौगछिया के बाल भारती में आयोजित होगा रक्तदान उत्सव। क्लीन नौगछिया ग्रीन नौगछिया द्वारा मारवाड़ी विवाह भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। संयोजक श्रीधर कुमार ने कहा कि संस्था द्वारा यह चौथा रक्तदान शिविर, जो बाल भारती पोस्ट ऑफिस रोड में आगामी 24 फरवरी दिन रविवार को लगने जा रही है। संस्था के मार्गदर्शक स्मृति शेष रामावतार प्रसाद सराफ को श्रद्धांजलि के रूप में और हाल के दिनों में ही पुलवामा शहीद को भी श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित है। मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने कहा, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित इस शिविर में भागलपुर जिले से रक्तवीर के रूप में महिला पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मौके पर मामंडिया सुनील जोशी, केशव पांडे, नीरज गुप्ता, शिव शक्ति समीर आदि उपस्थित थे।
नवगछिया अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली, दो की स्थिति गंभीर माया गंजरे पर। नवगछिया तितरी पकड़ा रामधारी सिंह हाई स्कूल मैदान के समीप शुक्रवार शाम 5 बजे तीन युवक हेमंत कुमार, गुलशन यादव व दिलकुश यादव तितरी दुर्गा मंदिर बाइक से घूमने के लिए निकले थे। इसी दौरान मंदिर से वापस लौटने के क्रम में रामधारी सिंह हाई स्कूल मैदान के समीप अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाना शुरू कर दी। अज्ञात अपराधियों के गोली से गुलशन यादव व हेमंत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायल तितरी के युवक हेमंत कुमार ने बताया कि शाम के 5 बजे बाइक से गुलशन यादव दिलकुश यादव के साथ घूमने निकले थे। इसी दौरान रामधारी सिंह पकड़ा हाई स्कूल मैदान के समीप बासा पर बैठे तीन की संख्या में अज्ञात अपराधी ने गोली चलानी शुरू कर दी। नवगछिया एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में धीरज कांत के देशभक्ति गीत पर भावुक हुए नवगछिया के गणिमान। शुक्रवार को सेवार सामाजिक संस्था एवं बाबा गणिनाथ सेवा समिति के द्वारा श्री कृष्ण विवाह भवन नवगछिया में पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि एवं एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति गायन ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा जैसे दर्जनों गीत पर नवगछिया शहरवासी भावुक हो गए। मौके पर लोगों ने पूरी जोश के साथ शहीद जवान अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं मौके पर सेवात के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप गुप्ता, सेवात के संयोजक एवं बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, डॉक्टर अनंत विक्रम, पुरुषोत्तम कुमार, ओम प्रकाश सिंह, नीतीश सरकार, अविनाश कुमार, बाबा गणिनाथ सेवा समिति के राजकुमार, विष्णु कुमार, संदीप गुप्ता, मुकेश शाह, शंकर शाह सहित दर्जन नवगछिया औषधि निरीक्षक ने डॉक्टर संपत राय के क्लिनिक पर मारा छापा। शुक्रवार को औषधि निरीक्षक भागलपुर की टीम ने नवगछिया के डॉक्टर संपत राय के क्लिनिक पर शिकायत के बाद छापेमारी के लिए पहुंची। सेवानिवृत्त रुगटा बालिका उच्च विद्यालय के गोपाल चंद्र कुमार के लिखित आवेदन पर तंत्र मंत्र से क्लिनिक चलाने की शिकायत की गई थी। औषधि निरीक्षक जांच टीम ने डॉक्टर संपत राय के क्लिनिक की जांच करते हुए बताया कि लिखित शिकायत के बाद छापेमारी के लिए पहुंचे थे, किंतु किसी तरह की कोई बात नहीं है, आपसी विवाद को लेकर इस तरह की शिकायत की गई थी। नवगछिया बस चालक से मारपीट के बचाव में आए सिपाही को आई गंभीर चोट। नवगछिया NH 31 प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के सामने नवगछिया की ओर जा रही बस के सवारी द्वारा खिड़की से गुटखा थूकने पर नवगछिया नया टोला निवासी राजा कुमार ने शुक्रवार को जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट शांत कराने पहुंची नवगछिया पुलिस के सिपाही बम कुमार के आंख के समीप गंभीर चोट आई है। नवगछिया पुलिस ने हंगामा व मारपीट कर रहे नवगछिया नया टोला निवासी राजा कुमार को हिरासत में ले लिया है, जबकि घायल पुलिस जवान बम कुमार को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में उपचार किया गया। नवगछिया ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। शुक्रवार देर दोपहर नवगछिया NH 31 रंगरा मदरोनी चौक समीप नवगछिया की ओर जा रही तेज ट्रक के चपेट में आ जाने से मदरोनी निवासी बिंदेश्वरी शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय मदरोनी चौक के दुकानदार ने बताया कि बिंदेश्वरी शर्मा मदरोनी चौक से रंगरा की ओर सामान खरीदने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में तेज गति से नवगछिया की ओर जा रही ट्रक के चपेट में आ जाने से बिंदेश्वरी शर्मा को ट्रक ने रौंद दिया, मौके पर ही बिंदेश्वरी शर्मा की मौत हो गई। वहीं नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में देर शाम तक पोस्टमार्टम कर सब को परिजन को सौंप दिया गया। नवगछिया NH 31 मकनपुर चौक पर दिन भर लगा रहा जाम, जाम से थर्रा रहा नवगछिया अनुमंडल। NH 31 पर आए दिन पुनः जाम लगना प्रारंभ हो गया। शुक्रवार को भी दिन भर NH 31 के दोनों किनारे सहित बीच में भी जाम का नजारा देखने को मिला। वहीं जाम के कारण अब मकनपुर चौक NH 31 से नवगछिया बाजार जाने वाले मार्ग पर भी जाम का काफ़ी लंबा काफिला नजर आता है। जाम के कारण जहां स्कूली बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती है, वहीं मैट्रिक परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर जा रहे लड़के लड़कियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं जाम छुड़ाने के लिए महज इक्के दुक्के ही प्रशासनिक लोग नजर आते हैं। सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।